आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जी हाँ, हार्दिक पांड्या पर बैन लग चुका है। वहीं हार्दिक आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए अपने शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे। उन्हें अब आईपीएल के एक मैच के लिए बीसीसीआई की ओर से बैन का सामना करना पड़ेगा। दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में स्लो ओवर रेट के कारण हार्दिक पर एक मैच का बैन और 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सीजन अपने लीग स्टेज के सभी मुकाबले खेल लिए हैं और अब उन्हें इस सीजन के कोई मैच नहीं खेलने हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या अगले सीजन में अपना पहला मैच मिस करेंगे और उन्हें उस मैच में खेलने का मौका नहीं मिल सकेगा। दरअसल हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम इस सीजन पहले ही दो मैचों में स्लो ओवर रेट के नियमों को तोड़ चुकी है। ऐसे में तीसरी बार ऐसा करने पर टीम के कप्तान पर बैन लगाया जाता है। इसलिए हार्दिक पांड्या 2025 में होने वाले शुरुआत के मैचों में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को जब से आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया है, तब के बाद से हार्दिक पर एक न एक गाज गिरती जा रही है। मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया, वहीं हार्दिक की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन इस सीजन बेहद निराशाजनक रहा। हार्दिक पांड्या ने बतौर कप्तान इस सीजन से पहले तक गुजरात टाइटंस के लिए एक बार ट्रॉफी जितवाई, वहीं एक बार फाइनल्स में पहुंचाई और उनका प्रदर्शन काफी शानदार था। लेकिन 2024 में उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम 14 मैचों में सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत सकी और वो अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है। उन्हें अपने आखिरी मैच में भी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने होम ग्राउंड मुंबई पर हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, हार्दिक के साथ साथ मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 में शामिल सदस्यों और इंपैक्ट प्लेयर पर या तो 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा या फिर उनकी मैच फीस का 50% काटा गया। इसमें से जिसकी भी रकम कम होगी वो जुर्माने के रूप में प्राप्त किया जाएगा। वहीं हार्दिक के बैन के बाद आईपीएल 2024 में अभी तक ये दूसरी बार हुआ है जब हार्दिक पांड्या को मौजूदा आईपीएल में एक मैच का बैन झेलना पड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर एक मैच का प्रतिबंध लगाया गया था, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच नहीं खेल पाए थे। चूंकि मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को लखनऊ के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेला, तो पांड्या अगले सीजन में टीम के पहले मैच से बाहर रहेंगे। अगर बीते मैच की बात करें तो इस सीजन हार्दिक के ऊपर पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के बाद 12 लाख रुपए, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 24 लाख रुपए, फिर दोबारा लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 30 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा है। अब आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें क्रिकेट केसरी।